सकते हैं कितनी सारी रेत और मिट्टी पानी की। दोस्तों अगर आप अपनी पानी की टंकी को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पानी की टंकी में से पानी को निकालना पड़ेगा, पानी की टंकी को खाली करना पड़ेगा और उसके बाद कोई व्यक्ति पानी की टंकी के अंदर जाएगा और उसकी सारी गंदगी को बाहर निकालेगा। तो ये बहुत ही लेंथी सा प्रोसीजर है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसकी वजह से हम अपनी पानी की टंकी को कई बार तो सालों साल महीनों महीनों साफ नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ पानी की टंकी में हो जाती है, बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है और उसकी वजह से हमारे परिवार में जो बच्चे होते हैं उनको पेट में कीड़े हो जाते हैं, टाइफाइड जैसी समस्या जो है पानी की गंदगी की वजह से हो जाती है, बच्चों में खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों पानी की टंकी को समय समय पर साफ करते रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम सब अच्छा पानी पी सकें और हम लोग बीमारियों से भी बचे रहें। आज हम आपको एक ऐसा तरीका पानी की टंकी को साफ करने का बताएंगे जो बहुत ही सरल है, 5 से 10 मिनट में आप अपनी पानी की टंकी को बिल्कुल क्लीन कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना तो आपको अपने पानी की जो टंकी है उसको खाली करना पड़ेगा और ना ही किसी व्यक्ति को पानी की टंकी के अंदर उतारना पड़ेगा। आप बाहर खड़े रहकर बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी अपनी पानी की जो टंकी है उसकी गंदगी को साफ कर सकते हैं और ये इतना आसान तरीका है, इतना सरल है कि अगर आप चाहो तो अपनी पानी की टंकी को हर महीने साफ कर सकते हो, बहुत ही आसान सा ये तरीका है। तो चलो दोस्तों हम आपको बिना देरी किए इस तरीके के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप अपने पानी की टंकी को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके को करने के लिए इस तरह की एक पाइप लेनी है, ये प्लास्टिक की पाइप है और अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए, इतनी लंबी आपको पाइप लेनी है कि ये आपकी पानी की टंकी में अंदर जाके और बाहर आ सके। तो ये पाइप लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक ये इस तरह की खाली बोतल लेनी है, ज़्यादा बड़ी बोतल नहीं है, इसी साइज़ में आपको ये लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ये जो निशान यहाँ पे दिया हुआ है इस निशान तक आपको एक हल्का सा निशान लगा लेना है ताकि आपको ये याद रहे कि इसको आपको कहाँ तक कट करना है। ये हमने इस पे निशान लगा लिया है और ये जो लकीर है ना ये नीचे वाली, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इस पर भी एक इस तरह का निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम कैंची लेंगे और कैंची की सहायता से हम इसको ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको धीरे धीरे कट कर लेंगे। ये देखिए ये ऐसे हम इसको कट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वे में इसको हमने कट करना है। दोस्तों ये बोतल कट करने के बाद हमारी बोतल कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी और इसी का इस्तेमाल हम करेंगे आगे का जो हमारा तरीका है उसको बनाने के लिए। तो इसको दोस्तों इस तरह से कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, ऐसे ज़्यादा चौड़ा ना हो दोस्तों, बिल्कुल बारीक बारीक सा आपको काटना है और जो ऊपर वाला निशान हमने लगाया है वो इसलिए लगाया था ताकि हम इसको बड़े आराम से कट कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कट कर रहे हैं, इस तरह का ये सारा चारों साइड से आपको बना लेनी है। और कोई तरीका आपके पास काटने का तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कटने के बाद आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ये वाला जो सिरा है ना ये इस तरह का नज़र आपको आएगा, आपको बारीक बारीक काटना है बिल्कुल, अगर आप चौड़ाई में काटेंगे तो इसके अंदर से पानी नहीं निकलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल इसी तरह का आपको ये काटना है जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे का प्रोसीजर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जो अब हमने जो पाइप ली थी उसके अंदर हम इसको इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा आगे इसको कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे करने के बाद ये जो सीरा है इसको हम यहाँ से किसी चीज़ की सहायता से थोड़ा सा रोक देंगे ताकि ये ऐसे इसमें से बाहर ना आए, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक। तो अब हम एक टेप लेंगे, ये हम ये जो ब्राउन टेप होती है ये यूज़ करेंगे इसके लिए और इसको यहाँ से इसको बंद कर देंगे थोड़ा सा। तो ये अब हमने आगे इसको ताकि ये निकले ना ये टेप यहाँ पर लगा दी है और इसको अब हम आगे की तरफ ऐसे धीरे धीरे इसको सेट कर देंगे। ये देखिए बड़ी सावधानी से दोस्तों आपको ये काम करना है और ये अब बिल्कुल सेट हो गई है, आप देख सकते हैं इसको। और इसको हम ताकि इसमें से पानी बाहर ना आए इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे बहुत ही आराम से।
तो दोस्तों अब इसके यहाँ पर भी हम ब्राउन टेप की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल सील कर देंगे, ताकि इसमें से जो प्रेशर है वो बढ़िया से इसका प्रेशर बने। अच्छे तरीके से हमने इसको सील कर दिया और ये काफ़ी हो गया, इसको हटा देंगे हम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल सेट हो गया है हमारा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से सील हो गया। इसमें अगर आप पानी का प्रेशर बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेशर बनेगा। तो दोस्तों अब इसको क्या करना है कि इस पर कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो इसको सीधा रखे और जिसको पकड़कर हम अच्छे से घुमा सकें। तो अगली जो चीज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो ये फट्टी है, इस लकड़ी की फट्टी की हम हेल्प लेंगे। अगर आपके पास कोई स्टिक है बड़ी 4-5 फुट की है तो आपके घर में अगर वो अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये फट्टी थी तो हम इसका इस्तेमाल करके ही आगे का जो तरीका है आपको बताएंगे। इस फट्टी को हम इसलिए लगाएंगे ताकि ये पाइप मुड़े ना। तो इस पाइप को हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। ये जो आगे की जो हमारी प्लास्टिक बोतल का जो हमने बनाया है इसको आगे की तरफ रखना है और इसको ऐसे हम सीधा करके इसको यहाँ तक जहाँ तक आपको पकड़ना है वहाँ तक इसको बांध देंगे ताकि ये बीच में मुड़े ना। तो इसको हम फिक्स करने के लिए यहाँ पर ब्राउन टेप की ही हेल्प लेंगे। तो ब्राउन टेप की सहायता से आप बड़े आराम से इसको ऐसे इस पर फिक्स कर सकते हैं। ये ब्राउन टेप की मदद से हमने इसको यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है ताकि ये हिले ना बाद में और इसका प्रेशर अच्छे से बन सके। और इसी तरह से हम पीछे की तरफ भी एक टेप लगा देंगे यहाँ पर इतनी दूरी पर, इसको अच्छे से फिक्स करके ये लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने जो ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है अब बिल्कुल तैयार है। और अब हम चलते हैं पानी की टैंकी के पास, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इससे पानी की टैंकी को साफ करते हैं। तो अभी हम पानी की टैंकी के पास आ गए हैं और पानी की टैंकी में दिखाते हैं आपको कितनी गंदगी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी पानी की टंकी में बहुत सारी गंदगी है और इसी को हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए आप, बहुत सारी गंदगी है। दोस्तों अब हम इसको पानी की टंकी के अंदर डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको पानी की टंकी को साफ करते हैं। तो ये हमने इसको बिना हिलाए बिल्कुल साइड तक लेके जाना है इसको, और बड़ी प्यार से अब देखिए ये अंदर चला गया है। और इससे हम तो इस पाइप का जो दूसरा सिरा है उससे आपको पानी को खींचना है और बड़ी ही सावधानी से जैसे ही पानी आपके मुंह तक आ जाए उसको तुरंत आपको नीचे छोड़ देना है। आपके मुंह तक पानी ना पहुंच पाए उससे पहले ही आपको इस पाइप को जमीन पर छोड़ देना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी जो पानी की टंकी के अंदर जमा थी वो सारी गंदगी पानी के साथ बाहर आ रही है, और वो भी बिना किसी झंझट के, बिना पानी निकाले और बिना टंकी के अंदर घुसे। बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव ये तरीका है अपनी टंकी को साफ करने का। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी रेत और मिट्टी पानी की टंकी से बिना किसी झंझट के बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पानी की टंकी को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का ये प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।